नमस्कार, 100.1 MHz से आकाशवाणी का यह लुधियाना केंद्र है। असी अपने स्थानक प्रसारण लैके हाजिर हाँ। कोरोना खिलाफ हर भारतवासी की जंग जारी है। असी अपने अपने पद्धर दे उत्ते अपना अपना योगदान पा रहे हाँ। एक विशेष प्रोग्राम पेश करांगे, कोरोना नू हराना है, हर इंसान नू बचाना है। अज दा यह विशेष प्रोग्राम कविता कथाकारवां दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुँच रहा है। रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। देश एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। तो हर कोई समझा रहा, घर से ना निकलो, हर कोई समझा रहा, हर फूल पे अब खतरा मंडरा रहा। आओ सब आत्मचिंतन करें फलक, आओ सब आत्मचिंतन करें फलक, देखो वक्त कैसे हमें आजमा रहा। मंच कविता कथाकारवा की अध्यक्ष व लेखिका मैं जसप्रीत कौर फलक, ऑल इंडिया रेडियो FM लुधियाना के माध्यम से आप सभी श्रोताओं को सादर नमन करती हूँ। अभी तक आपने मंच कविता कथा कारवां से जुड़े सभी सदस्यों के विचार, संदेश और कविताएं सुनी। जैसा कि हम सभी इस बात से अवगत हैं कि आज कोरोना जैसी आपदा सिर्फ भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की समस्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे भारत वर्ष में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। अगर हम इसे सकारात्मक रूप में लें तो संकट की इस घड़ी में चल रही इस मुहिम में कुदरत ने हमें एक अच्छा मौका प्रदान किया है कि हम अपने घरों में रहकर समय का सदुपयोग करें, अपनी कला को निखारें, अपने विचारों को यथार्थ में उतारें। अच्छे विचारों को, कविताओं, कहानियों, लेखों को इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से साझा करें। अपने घर में अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक, धैर्य और संयम से रहें। हाँ, एक बात और कि हम सभी की समाज के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को स्वस्थ रखें। इसके लिए हमें कुदरत को मजबूत, संवेदनशील, शुद्ध भावना से पूर्ण संभावना वाला संदेश भेजना होगा, जिसमें आप ये संकल्प लेंगे कि आप ना मरेंगे ना और किसी को मरने देंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम कुदरत को क्या संदेश भेज रहे हैं। कुदरत हमसे जो संदेश लेती है वही करती है। आज हमारी प्रशासन समिति, हमारी सरकार जो घोषणाएं समय समय पर कर रही हैं, हमें अनुशासन में रह के उन नियमों का पालन करना है। दूसरा कि मेडिकल कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नगर की अनेक सेवा संस्थाएं जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर इस संकट की घड़ी में हमारे लिए सेवाएं कर रही हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवादी हूँ। अंत में मैं अपनी कविता के माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोरोना जैसी आपदा को हमने अगर हराना है, कोरोना जैसी आपदा को हमने अगर हराना है, देश समाज के हित में ही हर एक कदम उठाना है। कुछ दिनों की बात है सारी, फिर कैसा घबराना है, धैर्य संयम में रहकर ही बचना और बचाना है। धर्म मजहब से ऊपर उठकर दुनिया को दिखलाना है, अंतर मन की बात सुनकर अपना समय बिताना है, लॉकडाउन को मिलकर हम सबने सफल बनाना है, हम कोरोना से जीत जाएंगे, सबको ये समझाना है,
जो सरकारें कहती हैं उन बातों को अपनाना है, हमें फलक अपनों की खातिर कुछ तो कष्ट उठाना है, हमें फलक अपनों की खातिर कुछ तो कष्ट उठाना है। प्यारे श्रोताओं, सरकार द्वारा लगाया गया यह लॉकडाउन समय की चुनौती है, इसे स्वीकारें, सतर्क रहें, कायम रहें। जय हिंद।